दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमयी सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रियन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमीन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रियन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमीन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शहर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।, तो है, है, है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चिन्मय सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है 2019 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमा लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा आप बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शहर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है 2019 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों तो अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों तो अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मेजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंहे, राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है 2019 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुम लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमन लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों तो ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र शिव पर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करें। आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमीन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमन लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शहर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रियन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रियन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमीन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रियन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमीन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे नुमा लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शहर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चिन्मय सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे नुमा लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शहर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमा लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा आप बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीयन हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी मां रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वे कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है खासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंगे राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे नुमा लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रेस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इस दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है 2019 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, बात तो है, है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शरमिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी का लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको, तो आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र शिव पर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है 2019 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंह राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस पर लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत खराब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी मलाल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलाल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 5 जुलाई 2019 में रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी मलाल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है 2019 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मंगेश हडवाले जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शर्मिन सेगले मिजान जाफरी प्राची कदमे इसवाक सिंहे, राधा सागरे सोनल झा चमई सुरवे मिर्जान जाफरी समीर धर्माधिकारी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड एक गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को चौवन परसेंट तक लाइक किया है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे सोलह मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में और ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को भी मिलने वाली है पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी शुरू होती है शिवा मोरे एक बेरोजगार मराठी युवक है जिसे नौकरी नहीं मिल पाती और वे मुंबई की एक चाल में रहता है और बी अंतिम वर्ष का छात्र है एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान शेर के मराठी कंटरपंथी राजनेता सावंत की नज़र से ऊपर पड़ती है और वे उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है इसलिए उसे और उसके दोस्तों को महाराष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर भारत से पलायन को रोकने का काम दिया जाता है कुछ दिनों बाद आस्था त्रिपाठी एक युवती जो अपने आलिशान बंगले से स्थानांतरित हो गई है अपने परिवार के साथ चोल में रहने आती है जिसमें उसकी माँ रंजनी पिता उमाशंकर और भाई दीपू शामिल है उमाशंकर ने गलत निवेश में बहुत पैसा गवा दिया और इसलिए परिवार की किस्मत ख़राब हो गई शुरुआती दिनों में शिवा और उसके दोस्तों का आस्था और उसके परिवार के साथ लगातार झगड़ा होता रहता है यहाँ तक कि जब वे अपने बचपन के दोस्त आदित्य से शादी करने वाली होती है जो उससे नफरत करता है आस्था शिवा की ओर आकर्षित होती है और शिवा द्वारा आदित्य के कुछ गुंडों से लड़ने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है इसी दौरान शिवा लगातार अपने माता पिता की नाराज़गी का सामना कर रहा है जो चाहते हैं कि वह कुछ करे आस्था शिवा की बहन को पढ़ाना शुरू कर देती है और बिल्कुल विपरीत जोड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है ख़ासकर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत